उठता है दिलो जहां से धुआं दोनों तरफ ही। उठता है दिलो जहां से, दिलो जहां से धुआं दोनों तरफ ही, दोनों तरफ ही। ये मीर का दीवान यहां भी है वहां भी। सब रोज रात को ये दिन को नारेबाजी होती थी, उधर से अल्लाह अकबर, इधर से भारत माता की जय, और जो भी मतलब नारे लगते थे वो नारेबाजी देख के लगता था कि लोग बहुत इंस्टिगेटेड हैं और किसी वक्त भी दंगा हो सकता है। ट्रक आ गए, ट्रकों में हमने कोई सामान नहीं ले जाएगा, तुम्हारे दादाजी ने पूरी लिस्ट बनवाई, इतने वो सारे पूरे कपड़े धोते सब। हमने कहा कमरा चले वापस आना है, कुछ दिन की बात है, आज तक ऐसा हुआ है कि राजा बदल जाए और नहीं, और प्रजा बदल जाए और राजा नहीं, ऐसे राजा बदलते हैं प्रजा नहीं बदलती। हम आप वापस आएंगे, अब निश्चिंत रहें। हम जब अमृतसर पहुँचे वहाँ पर हिंदुस्तान हिंदवारी नारे में हमें बहुत खुशी हुई कि हम सही से बस पहुँच गए। सारे घर के लोग जो हैं वो बचकर आ गए, वो ही बहुत नियामत थी। जब जम्मू चले गए तो फिर तो पता ही था कि भी घर वापस नहीं जाएंगे, वो तो पता ही था। रेड क्रॉस सोसाइटी थी का प्रेसिडेंट था डॉक्टर वेंगर, स्विट्जरलैंड का रहने वाला। ये उसकी स्विट्जरलैंड की रेड क्रॉस की सोसाइटी से हमको निकाल के अमृतसर लाया गया, बागा अटारी सरहद पार कर करके। मार धाड़ बड़ी हुई है, कत्ल वगारत बहुत हुआ है, लोग बड़े दुखी थे। उन्होंने गल के कपड़े भी उतार के हमको नंगा करके भेजा हिंदुस्तान, इतना जुल्म किया पाकिस्तान ने। हवाएं तो ये थी कि हमारी स्टेट जो है इंडिया में जा रही है, अखबार तो ये थी कि स्टेट जो है ना इंडिया में जा रही है। फिर इस वक्त हम आए नहीं, जब हमने देखा नहीं है, तब हमारे उसने जो मोमडन था एक बैठा हुआ नवाब था, बहुत अच्छा था, उन्हें कहा बाप चले जाओ। रात तक तो ये सारा इस तरह, तो दूसरे दिन मिलिट्री आई, उन्होंने सबको लेके तहसील हेडक्वार्टर जो थे वहाँ पे सबको इकट्ठा किया। तो चार दीवारी थी उसकी, उसी के अंदर तो मोस्टली किसी को खाने पीने के लिए नहीं मिला। फिर सरदार पटेल की और लियाकत अली की बातचीत हुई तो उसमें यह तय हुआ कि कैंपों के अंदर जो जितने भी हिंदू हैं या मुसलमान हैं इनकी गिनती होगी, और कोई अगर एक आदमी भी कम हो जाएगा, मर जाएगा, तो उसके लिए उसको रीज़न देना पड़ेगा कि बीमारी से मरा, किससे मरा, तो जाकर ये बात थमी। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य था कि इतिहास में कभी ऐसा विभाजन हुआ नहीं, मुल्कों का हुआ लेकिन लोगों का नहीं हुआ। यहाँ तो लोगों का बंटवारा ज़मीन के साथ हो गया, और उससे क्या हुआ, कल्चर का, एक कल्चर होते हुए भी दो हिस्सों में बट गया। मैं एक बार गया था लेकिन मेरे दोस्त बहुत सारे हैं वहाँ अभी भी, दे लो, उनको सिंधी हिंदुओं के लिए बड़ा प्यार है, आराम से रहते हैं। हम बहुत खुश फील करते हैं। आज भी कभी बात होती है कि अच्छा हम हिंदुस्तान में आ गए, वहाँ रहते तो गुलामत पे रहते, हालांकि हमारी हुकूमत थी, ज़मीनें हमारी थी, नौकर थे सारे हमारे, लेकिन जो हालात पैदा हो गए थे हिंदू मुसलमान के, उससे हमें लगता था कि हमने बहुत अच्छा किया, आ गए, आज हमको वापस जाने के लिए हम कभी मान करेंगे।